ये तो मैंने पहली बार देखी इतनी लंबी लाइन यार। कहाँ पे? वो बहुत ऊंचा। चल कहाँ पे है? रास्ते में आएगा। चलेंगे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो आज है डे टू, आज जाएंगे बीर बिलिंग। बहुत थक गए थे, रात को सो गए, इसने तो एडिटिंग करके वीडियो अपनी डाल दी। अब चल रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद अपनी पैकिंग हम कर चुके हैं और फिर अपनी बाइक तैयार करके साफ करके, भी गंदी हो गई थी थोड़ी, अपने को गंदी बाइक पसंद नहीं है, हम अच्छे तक एकदम साफ चाहिए। अब ब्रेकफास्ट करके सीधा बीर बिलिंग। कितने घंटे का रास्ता पड़ेगा यहाँ से? 12 घंटे? 7 घंटे कंटिन्यू रनिंग, 10 घंटे कम से कम, तो 11 घंटे लगा लो। हाँ। तो 11 घंटे की राइड है, उसके बाद फिर वर्कआउट करेंगे धमाकेदार। तो अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। नीचे नीचे खुशबू छोड़ रखी है। हाँ है ना, सही बात है, क्योंकि यहाँ सही कह रहा है भाई, नीचे नीचे खुशबू छोड़ रखी है। तो भाई ये असली टास्क, अब ये सामान इन बाइकों पे लगाना, तो यही सबसे बड़ा टास्क होता है मोटरबाइक लेके जाते। चला ले बाइक, चला ले, ये ना माने बाइक चला रहा भाई, और ये भी ना माने वीडियो बना हुआ, ये देखो। अरे ये काड़ू आ गया। काड़ू चल बेटा, इधर आओ, कैसे हो? ठीक हो तुम? काड़ू है इसका नाम। तो भाई अब लगाते हैं। अरे तो खाना कुत्ता काड़ू, अरे दौड़ा कुत्ता था दौड़ू। तो अब चलते हैं, करते हैं तैयारी चलने की, और अभी इसका भी राज बताऊंगा। ये अपना छोटा उक्का है, उक्का देखा ना आजकल, उक्का चला फ्लेवर उक्का। हाँ तू चला दे इसको। तो इसका अभी राज बताऊंगा क्या है ये और क्यों रखा है ये। लो एक बार लुक देख लो, जब रेडी होता है चेतक तब ऐसा दिखता है। जबर चला विद, चलो क्या कर रहा हूँ, तुम कैसे दिख रहे हो? मैं ऐसा दिख रहा हूँ, देख लो। रोबोकॉप हुक्का बार, ये क्या है ये बताऊंगा क्या कहानी है आप लोगों को, थोड़ी देर में समझाऊंगा। वो स्टार्ट हो गई, मार ले बुर 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 बुर। बैठो उस्ताद जी, चले जी, जय श्री राम। चलो भाई, लेट्स गो। तो चल पड़े हैं भाई, डे टू, एपिसोड टू आपका, और जा रहे हैं अब बीर बिलिंग के लिए। आज की राइड होगी 10 से 12 घंटे के बीच में, अगर थोड़ा रेस्ट करते तो 12 घंटे हो जाएगा, बिना रेस्ट चलते हैं तो 10 घंटे लग जाएंगे। अभी टाइम हुआ है आई थिंक 7:30 या 8 बजे हैं, तो रात के 7-8 बजे तक हमें पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि बड़ा इसलिए है रास्ता क्योंकि पूरे पहाड़ पे है, तो पहाड़ पे राइड थोड़ी लंबी ही पड़ती है क्योंकि घूम घूम के रास्ता होता है। तो ये प्रदीप भाई हमें छोड़ने जा रहे हैं, चलो चलो आगे आगे। ट्राइसेप्स दिखा दे, ट्राइसेप्स ट्राइसेप्स दिखा दे टाइट करके। अमित सोनी, एक हमारे यहाँ लड़का अमित सोनी, जब ही टाइट करते हैं ट्राइसेप्स को भाई। बहुत रूल रेगुलेशन है, बहुत साफ सुंदर है चंडीगढ़ सच में, और कैम चल रहा है ना मेरा गोप्रो। हाँ चल रहा है, चलो वू। तो चल पड़े हैं, मस्त ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब कम रोकेंगे, पीछे अपना पानी है, अपने पास प्रोटीन भी है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वर्कआउट अपना हो गया था लेग्स का। आज रात को अगर जिम खुले मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो अपना वर्कआउट करेंगे फ्री वेट ट्रेनिंग रात को जाके। ये बात, ये छोरा नहीं मान रहा भाई का टीवी, ये है हमारा इंडियन राइडर है। ये हमारा इंडियन राइडर, कहाँ से जाना है पूछ लेते हैं। भाई बाइक देख रहा है, क्या याद आ गया भाई को? तो प्रदीप रास्ता बताएगा, आ रहा है। हाँ प्रदीप, कहाँ से जाना है?
यहाँ से राइट सीधा, चल ठीक है, ध्यान रखियो, ठीक है, फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं, ओके चलो। तेरी इतनी लंबी लाइन, ये तो मैंने पहली बार देखी इतनी लंबी लाइन यार। उस्ताद जी लाइन कुछ ज़्यादा लंबी नहीं है। अभी इस पुलिया के पार हिमाचल शुरू हो जाएगा, ये पुलिया पार करते ही हिमाचल स्टार्ट, और ड्रेस भी चेंज हो जाएगी पुलिस की, देखा तो हिमाचल पुलिस, तो चेंज हो गया। अब वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। पहाड़ का रास्ता कुछ ख़त्म हो, फिर आगे जाके फिर पहाड़ी आ जाएगा। हाँ ये हुई ना बात, अब आ रहा है मज़ा, एक नंबर। ऐसा रोड आ जाए, ओ अंकल 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 क्या कर रहे हो अंकल, ले लो ले लो, कमाल कर दिया अंकल जी यार, मतलब सडनली अंकल जी ने मोड़ दिया यार, कोई बात नहीं हो जाता है, ऑल इज वेल, सबका भगवान भला करे। चल भाई चल चल, आजा चीते, ऑल इज वेल। ओ हो ये, ओ मेरी जान जी, ओ क्या नजारा है, ऐसे 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 रास्ते हैं, ऐसे ऐसे। तो रुक गए भाई, अब जूस पियेंगे, काफी देर हो गई राइड करते करते, डबल स्टैंड पे लगा दूं क्योंकि वेट बहुत है, पता लगा 10 की तेरी। क्या हुआ, कहाँ पे? वो बहुत ऊंचा। चल कहाँ पे है? रास्ते में आएगा। चलेंगे, कितना किलोमीटर रह गया? 195। 195 हो जाएगा 3 घंटे में, हैं? 100 किलोमीटर कर दिया। जो तेरा वहाँ तक है, ऊना के बाद तक तो ऐसा ही रहेगा। अच्छा, थोड़े थोड़े कर्व है, लेकिन प्लेन भगा सकता है 80-100 तभी, मतलब अपना पहाड़ी इलाका 100-150 मैक्सिमम होगा। हाँ लेकिन वो 100-150 तीन घंटे खा जाएगा। हाँ जी, हाँ अब जूस आने दो, बूम पी लिया जूस, मज़ा आ गया जूस पी के, तो चलो भाई अब चलते हैं भाखड़ा नंगा डैम। चलो भाई स्टैंड पे लग जा, साइड स्टैंड पे, एक मिनट आर ले से छोटी सी, अपना बैठो निकल लो, बैठो उस्ताद जी आओ, बैठ गए जी, चले तो चलो भाई। कहाँ जाना था शायद, ओ बैठो बैठो बैठो, बैठ गए बैठ गए। हाँ बैठ गए थे ना, थोड़े से देखा ना बैलेंस बिगड़ा और एक पैर से वापस, क्योंकि पीछे अपने सबसे प्यारे उस्ताद जी हैं, तो अपने को ना तुम पता दिमाग में रहती है कि उस्ताद जी क्लोज टच ना कर जाए बस, इसलिए जब भी पूरा पैर नीचे और चेतक को खींच दिया ऊपर। तो आप पहुंचने वाले हैं, क्योंकि इसको पूरी जगह चाहिए, थोड़े से में कटाई करते हैं तो डिसबैलेंस हो जाती है, इसको पूरी जगह चाहिए क्योंकि लंबी इतनी है। वीडियो में तो फिर भी आपको बहुत छोटी छोटी तो नहीं, मतलब सही से दिखती होगी, मतलब पास से देखें आपको, अरे इतनी ऊँची इतनी लंबी बाइक, अरे कहाँ है कहाँ है, वाह यार यहाँ तो नज़ारा ही अलग आने वाला है, देखना मज़ा आएगा। सुना है मैंने भाखड़ा का डैम बड़ा ज़बरदस्त दिखता है, पानी ऊपर से गिरता, तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है वहाँ,
शायद वीडियो दूर से बनाने थी, कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। तो पहले देश की सिक्योरिटी है, अगर जैसे रूल होंगे वैसे फॉलो किए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं सीधा डैम पे। पीछे चल भाई, देखे पास दे भाई को आईडी। आ जाओ जनाब, फिर एक बार मोदी सर पर पास। आपके पास तो कैमरा दूरबीन तो नहीं है, है? हाय, कैसे हैं आप सब? तो बड़ी देर बाद ब्रेक लिया है ना दोस्त, जी आपका व्लॉग अब उस्ताद जी करा करेंगे कैमरे के व्लॉग में, बाइक पे क्या करूँगा। हाय गाइस, कैसे हैं? आज आप लोगों को जो है ना एक भाखड़ा नंगल डैम के बारे में बताना था और वहाँ पे हम गए। उसका शॉट क्यों नहीं आया वो बताओ। तो शॉट के लिए सिक्योरिटी पर्पज के लिए वहाँ पे अलाउड नहीं था और वहाँ अलाउड इसलिए नहीं था कि बहुत ही ज़बरदस्त सिक्योरिटी है, बल्कि आइडेंटिफाई करने के बावजूद भी वहाँ पास बनाते हैं। पास करने के बाद सिर्फ आप फिजिकली देख सकते हैं, वहाँ पे फोटोग्राफी बैन है बिल्कुल, आप फोटोग्राफी नहीं ले सकते और वहाँ किसी को दिखा नहीं सकते। आप वहाँ जा कर के खुद देख सकते हैं और बड़ी ज़बरदस्त सीन, बड़ा ज़बरदस्त बांध है। तो आगे अब यहाँ पे जो है ना, अब चलते हैं आपको पहाड़ पे और ऊपर दिखाते हैं ड्रोन के शॉट्स। दिखाते भाई, ओए ये देखो हमारा कलाकार, मतलब दिखा दे अपना गमछा, ड्रोन का अपना मैविक प्रो, उड़ा दे इसे अब जल्दी भाई। लगभग 40 साल पहले ना, यानी कि 1980 में शिमला आया था और शिमला से पहले सोलन के पास एक कंडा घाट, वहाँ पे ऐसी सीनरी पे चढ़े थे। उस टाइम उम्र भी बहुत कम थी, आज उम्र भी जो 60 पार हो चुकी है, लेकिन इन बच्चों की हिम्मत देख के मैंने भी हिम्मत जो है ना बढ़ाई। देखो भाई उस्ताद जी कितना ऊंचे चढ़े हैं, बहुत। देखो ऊपर एक पहाड़ पे बैठे हम और बाइक बहुत नीचे है, और बाइक तो बहुत नीचे, ऊपर पहाड़ पे बैठे हम तो उस्ताद जी ने अंत कर दिया। उस्ताद जी आज दोबारा उस्ताद जी भाई पहाड़ पे आए हैं, पानी पीता रहा। उस्ताद जी चलना है तो बोले चल भाई आज पहाड़ पे चल, और किसके सारे आए सारा पानी पीते रहे सुजल। तो हमारी बाइक है देखो, वो नीचे खड़ी दिखी शायद, हटिया भी थोड़ी सी इधर से दिखाई देगी वो बैठना। अब यहाँ से आएंगे ड्रोन शॉट्स। वीडियो आती रहेंगी पंघाल फिटनेस पे, और गोप्रो के शॉट्स अच्छे थे तो वीडियो में लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना। अब यहाँ से रह गया है हमारा कोई 60 किलोमीटर, क्योंकि हमने 40-45 मिनट आई थिंक एक घंटा लगा दिया ड्रोन शॉट्स में, और नीचे पहाड़ पे गए थे ऊपर लेने, फिर नीचे आए उस्ताद जी को आराम से। उसके बाद हमने तीनों ने चाय पी मस्त, एक कड़क कड़क बोले तो कड़क, मुंबई में बोलते हैं एकदम कड़क बात, तो एकदम कड़क चाय पी, और अब होटल में मिलेंगे आप लोगों से। तो लाडलो आ गए मेरे प्यारो चाहने वालों, अब नहाऊंगा धोऊंगा खा के सोऊंगा,
तो बस यही कहना चाहता हूँ, ये रहा रूम और ये रहा बेड, ये रहे उस्ताद जी, और यहाँ से रिलैक्स हो गए उस्ताद जी। राइड कैसी थी? भाई क्या बताऊं, मतलब कि ये तो भाई कैसी है कि सब कुछ संभाल, चीता है चीता अपना चेतक है। और ये व्यू है, पीछे व्यू देख लो, और सुबह ड्रोन से तो मजे आ ही जाएंगे। अभी तो आप लोगों को पता नहीं, समझ नहीं आ रहा होगा व्यू, लेकिन सुबह जब उठेंगे ना, ओहो ड्रोन। तो बाय, लव यू आप सबको, बहुत सारा प्यार, एपिसोड 3 का इंतजार करें, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। जय हिंद।